खरगोन से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर बसा ग्राम देवली, जहां के बाशिंदे सड़क निर्माण को लेकर इतने परेशान हो गए कि उनको जिला कलेक्टर के पास जाने को मजबूर होना पड़ा। ज्ञात हो कि देवली से खरगोन मुख्य मार्ग पर पक्की सड़क निर्माण का कार्य 7 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा था, परंतु निर्माण एजेंसी द्वारा घटिया निर्माण कार्य करने के संबंध में जब ग्रामीणों द्वारा उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया तो अधिकारियों द्वारा साठगांठ कर ठेकेदार से काम बंद ही करवा दिया और कह दिया अगर घटिया निर्माण कार्य हो रहा है तो हमने काम बंद कर दिया, जाओ हमारी शिकायत करो। आज 2 वर्ष बीत जाने के बाद क्षेत्र के बासिंदे महज 10 किलोमीटर की दूरी को खस्ता हाल सड़क होने से 21 किलोमीटर बरूड से घूमकर जिला मुख्यालय खरगोन जाना पड़ता है। इसी बात को लेकर विगत विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव में वोट न डालने का विरोध भी किया गया था। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। आज ये किस काम के लिए यहाँ पे आए हैं? ये हम कलेक्टर साहब को जनसुनवाई में आवेदन देने आए। हमारे जो दिवली से खरगोन का रोड जो स्वीकृत हुआ था, वो रोड स्वीकृत तो हो गया, इसके लिए हम प्रशासन और सरकार का धन्यवाद भी देना चाहेंगे, लेकिन स्वीकृत होने के बाद वो रोड अभी अधूरा पड़ा है। 21 सितंबर 2021 को उसकी डेडलाइन भी गुजर चुकी है। वो रोड इतना घटिया क्वालिटी का है, वहाँ पर अभी तक रोड रोलर और पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ। इसलिए हम कलेक्टर साहब से आवेदन देकर ये याचना करने आए हैं कि इसकी जाँच करवाई जाए। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि इसका कॉन्ट्रैक्ट जो टेंडर लिया है, इंदौर के किसी ठेकेदार ने लिया है और उसका काम यहाँ स्थानीय कोई ठेकेदार कर रहा है। अब आप ये बताइए कि अगर एक ठेकेदार दूसरे ठेकेदार को और दूसरा ठेकेदार तीसरे ठेकेदार को ऐसा करेंगे तो उसमें तो पैसे का बंटवारा होगा और भ्रष्टाचार खुलेआम होगा। इसलिए हमारा ये कहना है कि जिसने ठेका लिया, जिसने टेंडर लिया, वही अपनी मशीनें लाकर रोड बनाए। हम मांग कर रहे हैं कि जो ठेकेदार रोड बना रहा है वो ठेकेदार अच्छा नहीं है और उसको बदला जाए और रोड अच्छी गुणवत्ता का बनाया जाए। रोड का काम चालू हो गया और अब कब से बंद है रोड का काम? रोड का काम दिवाली के पहले से बंद है, लगभग अक्टूबर के महीने से बंद है और अभी तक कोई देखने तक नहीं आया वहाँ पर। और जो पुलिया निर्माण का काम है, जो पुलिया जिसकी वजह से पूरा आवागमन ठप हो जाता है, हमारा गाँव एक तरह से टापू बन जाता है, वो पुलिया को तो जैसे भूल ही गए, उसका तो अभी पता नहीं है कि स्वीकृत हुआ है कि नहीं हुआ और होगा भी कि नहीं होगा। तो हमारी भी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी रोड को पूर्ण किया जाए और पुलिया को भी जल्दी बनाया जाए और गुणवत्ता युक्त बनाया जाए। क्या नाम है आपका? दशरथ राठौड़, ग्राम देवली। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।